रामपुर बघेलान बिजली कटौती के तत्वावधान में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव सतीश शुक्ला द्वारा धरना प्रदर्शन। रामपुर बघेलान विधानसभा में हो रही अघोषित बिजली कटौती, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु बिल की मेंटेनेंस, बढ़े हुए पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम एवं विद्युत विभाग द्वारा किसानों को आवश्यकता अनुसार बिजली उपलब्ध न करवाई जाने के विरोध में रामपुर हनुमानगंज में मोदी जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और नरेंद्र मोदी का पुतला टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमा शंकर पयासी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करके अधीक्षण यंत्री सतना संभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया तथा किसानों को 8 से 10 घंटे विद्युत सप्लाई का नियम है, लेकिन शासन द्वारा 2 से 3 घंटे विद्युत सप्लाई की जाती है, जिससे किसानों की फसल की बुआई नहीं हो रही तथा लाइट मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। जैसे विद्युत तार झूल रहे हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, मवेशियों का खतरा पुराने तारों से बना रहता है। ट्रांसफार्मर कितने जले हुए हैं उसको नहीं लगाया गया। किसानों की लाइट बनी रहती है परेशानी, जिसमें रामपुर नगर पंचायत में वार्ड नंबर 11 के मतदाता पिछले 2 माह से तथा वार्ड क्रमांक 7 के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। जनता नहीं है गुहार लगा रही है और विधायक रामपुर तथा सतना के सांसद गणेश सिंह से, मगर जनता की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस भाजपा शासनकाल में क्या जनता इन जनप्रतिनिधियों को ऐसे ही सहती रहेगी? क्या इसीलिए चुनती है इन्हें कि कोई कार्य ना किया जाए? सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत किया गया, मगर कोई यहां तक भी सुनवाई करने वाला नहीं है। अंत में सतीश शुक्ला ने अमरण अनशन के लिए आज ज्ञापन एसडीएम तथा विद्युत विभाग प्रभारी को सौंपा। सभी मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ट्रांसफार्मर लगवाया गया। जरा सतना रामपुर बघेलान से सुधाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। कहाँ रही थे? रामपुर कुर्मिया टोला में। अच्छा, तो यार अपना की गांव में लाइट की क्या समस्या है? लाइट यह समस्या है कि आसा पर वखा चाहिए थे वखा बैसा के ट्रांसफार्मर जलाया है, तो ट्रांसफार्मर का कोनो इंक्वायरी नहीं करा थी। यहाँ आए आदमी मच्छर खा थे, गर्मी लगा थी, पानी के तबाही ही खेती प्रभावित होट हुई। खेती वाली है तो जैसे बोर पंप में तो उनके खेती के बिना ऐसे पड़े हैं यार, पानी बिना। कोहू से शिकायत किन गए चीज के? शिकायत के किन जाते हैं, लाइन माइनन के लगे जा जा के कहा थे कि ट्रांसफार्मर लगवाबा, लाइन माइन यहाँ फोटो लगे वहाँ आदेश नहीं करे सपना का। अच्छा, विधायक पार्षदों को बताई नहीं? हाँ, सबको पता। तो कौनो कार्रवाई नहीं भाई? अच्छा, कौनो कार्रवाई नहीं भाई, फोटो यहाँ से लगे हैं, मैं लाइन माइन ना वहाँ पता चला था कि सपना में जमा नहीं है अधिकारी के लगे पर। तो ये अपने पति समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे नागिन खा ले, चाहे सांप खा ले, चाहे आदमी भर फटाक मार जाए या गर्मी के सीजन में ही। लड़कन की पढ़ाई प्रभावित होट हुई? सब कुछ है, अब सब है तकलीफ ही लाइट बिना। प्राप्त हुआ था जिसमें रामपुर बघेलान क्षेत्र में जो विद्युत समस्याएं विदित है उसके संबंध में आमरण अनशन पर बैठने की और जले हुए ट्रांसफार्मर जो है उनको तत्काल बदले जाने की का निवेदन किया गया था, जिसके संबंध में विद्युत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जो जले हुए ट्रांसफार्मर थे उनको बदलने की व्यवस्था कर ली गई है। 2 नए ट्रांसफार्मर, एक कुर्मिहा टोला के लिए और ज्ञान ज्योति स्कूल के पास दोनों ट्रांसफार्मर आ गए हैं, जिसमें अभी की स्थिति में 1:30 बजे एक ट्रांसफार्मर बदला जा चुका है, बाकी दूसरा बदलने की प्रक्रिया में है जो आज दिनांक तक पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही जो विद्युत विभाग की अन्य समस्याएं हैं उसके चलते विद्युत विभाग को अवगत करा दिया गया है, जिसमें नियमानुसार जाँच करते हुए उन लोग कार्रवाई करेंगे।